हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज बात करते हैं वापस क्लास 9th मोशन चैप्टर एट। मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इम्पोर्टेंट ये है, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजिशन चेंजेज विथ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है अगर वो पोजिशन चेंज करे समय के साथ। लेकिन एक और पॉइंट है, दैट इज है रेफरल पॉइंट। पोजीशन चेंज कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन किस पॉइंट के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर सड़क के किनारे कोई इलेक्ट्रिकल पोल है गड़ा हुआ और वहां पे एक कार खड़ी थी और कार ने चलना स्टार्ट किया, वो उसने गति पकड़ी, कार में मोशन आया, तो कार की पोजीशन जो चेंज हो रही है वो उस इलेक्ट्रिकल पोल के साथ चेंज हो रही है। तो हम कार को बोलेंगे मोशन उस रिस्पेक्ट में, जबकि एक आदमी या एक इलेक्ट्रिकल पोल के पास कोई भी पर्सन हो, वहां से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और दूसरी कार भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी दिशा में जा रही है, तो क्या हम कहेंगे, क्या एक कार दूसरी कार के साथ जो पैरेलली चल रही है, समानांतर चल रही है एक दूसरे के, क्या वो पोजीशन चेंज कर रही है? नहीं कर रही है। दोनों कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन फिर भी चूंकि दोनों एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं कहे जाएंगे, वो दोनों रेस्ट में कहे जाएंगे। एक और उदाहरण लेता हूं। जैसे एक बस में मान लिया 20 लोग बैठे हुए हैं और बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, तो सड़क के किनारे कोई खड़ा व्यक्ति के लिए वो बस और उस बस में बैठे सारे लोग मोशन में हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हैं। लेकिन बस में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ रेस्ट में कहा जाएगा, बिकॉज दूसरा बस में बैठे हुए जितने व्यक्ति हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेफरल पॉइंट चाहिए जिससे मेजर कर सके कि वो पोजीशन चेंजेस वहां पे हो रहा है। मुझे लगता है कि अब जो एग्जाम्पल्स है मोशन का, वो फ्लाइंग बर्ड्स, मूविंग बर्ड्स, फिश स्विंग, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन एंड आर्टरीज, कार मूव्स, एटम मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ऑल आर इन मोशन। हम इन लोगों को मोशन में है कह सकते हैं, बिकॉज हम लोगों के साथ उनका पोजिशन चेंज होता है, फ्लाइंग बर्ड्स का चेंज हो रहा होता है। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। हमने बस का एग्जाम्पल देखा। एक आदमी के लिए वो बस मोशन में है और बस के अंदर बैठे हुए ही एक आदमी के लिए दूसरा आदमी रेस्ट में है। फॉर द पैसेंजर इन ए मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी इन द मूविंग बैकवर्ड। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलोंग विद द पैसेंजर्स एज मूविंग। हाउएवर ए पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलोज पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट? यहां पे दो चीजें आ गई, पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। इन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सपोज मैं सुबह बिस्तर से उठा और उठकर करके 4 किलोमीटर की जॉगिंग की, 4 किलोमीटर जॉगिंग करने के बाद वापस आकर के मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया। अब मैं अगर कैलकुलेट करूं तो मैंने जो डिस्टेंस कवर किया, मेरी जो मूवमेंट हुई वो पूरे 4 किलोमीटर की हुई। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर करूं तो
मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी बिकॉज मैं जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई लेकिन मैंने डिस्टेंस कवर किया। तो क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट थोड़ी डिस्टेंस कवर करता है, मूव करता है, फिर भी क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? यस, हो सकता है, बिकॉज अगर वो ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पहुंच जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, जबकि डिस्टेंस उसने जितना कवर किया, लाइक मेरे केस में 4 किलोमीटर, तो वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं बिस्तर से उठा, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और अपने बिस्तर से 2 मीटर की दूरी पे जाके बैठ गया। अब इस केस में मेरा टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर किया वो 4 किलोमीटर में 2 मीटर कम, और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे ओरिजिनल बिस्तर से जिस जगह पे मैं बैठा वो 2 मीटर का है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का होगा। अगला क्वेश्चन है, एक फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री है और वो एक कंप्लीट बाउंड्री मूव करता है 40 सेकेंड में, और बाउंड्री का एक साइड 10 मीटर का है। इट मीन्स द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर विल बी 10 मीटर इंटू 4, दैट इज 40 मीटर। इट मीन्स 40 मीटर वो 40 सेकेंड्स में चलता है, तय करता है। इसका मतलब 1 मिनट में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मिनट वो व्यक्ति चलता है, फार्मर। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? अब फिर यहां पे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अब 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 2 मिनट्स = 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, इट विल बी 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स के बाद फार्मर की स्थिति कहाँ, शुरुआत से कहाँ पे होगी, वो कितनी दूरी पे होगा, ये मैग्नीट्यूड उसका निकालना है। आप इसे निकाल कर करके मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। थर्ड वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के केस में कौन सा ये सही है और गलत है? इट कैन नॉट बी जीरो, ये फॉल्स है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि डिस्प्लेसमेंट मेरी जीरो थी, जहां से मैं चला वहीं आकर वापस बैठा था। इट मीन्स कि हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, तो ये फॉल्स है। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी फॉल्स है, बिकॉज कभी भी जितना डिस्टेंस कवर करेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा वही होगा। अगर मैंने 4 किलोमीटर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया होता तो मेरी डिस्प्लेसमेंट जहां से मैं चला था वहां से 4 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं हो सकती कभी भी। 4 किलोमीटर से कम की हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन 4 किलोमीटर से कम ज्यादा की कभी नहीं हो सकती। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये फॉल्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? हम एक कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट का जो ट्रेवल करता है 5 मीटर पहले सेकंड में, फिर 5 मीटर दूसरे सेकंड में, फिर 5 मीटर तीसरे सेकंड में, और फिर 5 मीटर चौथे सेकंड में। इस केस में हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कवर करता है 5 मीटर हर सेकंड कवर करता है, तो हर सेकंड जब हर सेकंड ऑब्जेक्ट एक खास दूरी तय करता है, इक्वल दूरी तय करता है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट कवर्स एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कहा जाएगा कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइक अगर कोई कार या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पहले सेकंड में, फिर 4 मीटर दूसरे सेकंड में, फिर 6 मीटर तीसरे सेकंड में, और वापस 5 मीटर चौथे सेकंड में, तो हम कह सकते हैं कि उसने इक्वल टाइम
डिस्टेंस पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे उन्होंने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाएगा। अभी हम एक हमारे पास डेटा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर। 9:30 बजे सुबह की जो रीडिंग थी, तो उस समय तक में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए 10 मीटर और बाय ऑब्जेक्ट बी 12 मीटर। 12 मीटर ट्रेवल कर चुके थे ए, बी और 10 मीटर ए। फिर 9:45 सुबह पे जब वापस से रीडिंग ली गई, तो ऑब्जेक्ट ए ने 20 मीटर ट्रेवल किया, जबकि ऑब्जेक्ट बी की ट्रेवल, टोटल ट्रेवल थी 19 मीटर। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ए 10 मीटर 15 मिनट में ट्रेवल किया, जबकि उसी 15 मिनट में ऑब्जेक्ट बी मात्र 7 मीटर ट्रेवल किया। नेक्स्ट 10 बजे सुबह की हम जब रीडिंग लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट ए 30 मीटर और ऑब्जेक्ट बी 23 मीटर, 23 मीटर्स। इस केस में हम देखते हैं कि ट्रेवल ऑब्जेक्ट ए जो है वो इक्वली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर से, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, जबकि ऑब्जेक्ट बी 12 से 19 7 मीटर और फिर 19 से 23 4 मीटर। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है बी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जबकि ए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जो मोशन हमारी ऑब्जेक्ट ए की होगी वो यूनिफॉर्म मोशन कही जाएगी, और जो मोशन हमारी ऑब्जेक्ट बी की होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कही जाएगी। नाउ अब हम स्पीड की बात करते हैं। द वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ मोशन के बारे में जानने के लिए, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसे कितना समय लगा, एक यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसे हम स्पीड ऑफ द मोशन कहते हैं। टोटल कोई ऑब्जेक्ट 5 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर पर सेकेंड। द क्वांटिटी क्वांटिटी इज रेफर्ड एज टू स्पीड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबॉल मीटर पर सेकेंड, एंड अदर यूनिट्स ऑफ द स्पीड सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट्स ऑफ मोशन इन सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। अब चूंकि सारी स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, सारी स्पीड यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकती, बिकॉज अगर कोई कार दिल्ली से आगरा की ओर गई तो कहीं पे मोड़ आने पे उसकी स्पीड कमेगी, स्पीड ब्रेकर आने पे उसकी स्पीड कमेगी, कभी अच्छा रोड मिलने पे वो 100 किलोमीटर के स्पीड पे भी चलेगा और कभी 40 किलोमीटर के स्पीड पे चलेगा। इसका मतलब यह है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होता है, और मोस्टली सारी चीजें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही होती है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहने के कारण उसकी एवरेज स्पीड ही कहीं निकाली जाएगी, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और उसे कितना समय लगा। सपोज एक कार को नई दिल्ली से आगरा जाने में 4 घंटे लगते हैं, और मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर की है। कार की स्पीड कभी 40 रही होगी, कभी 0 रहा होगा, कभी गाड़ी रुकी हुई होगी, कभी गाड़ी 100 पे होगी, लेकिन जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं
तब हम ऐसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 4 आवर्स इजकल टू 200 डिवाइडेड बाय 4 इजकल टू 50 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज स्पीड इजकल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस इन टाइम टी एंड तो इसकी स्पीड कितनी होगी? वी इजकल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज एस डिवाइडेड बाय टी दैट इज टाइम। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। कार ट्रेवल करता है 100 किलोमीटर 2 घंटे में। इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट द 50 किलोमीटर पर आवर एट द टाइम। समटाइम्स इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर देन दिस, जिसकी चर्चा हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले की थी। एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है 16 मीटर 4 सेकंड में और उसके बाद दूसरा 16 मीटर 2 सेकंड में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? अब यहां पे ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना ट्रेवल किया? 16 मीटर पहले 4 सेकंड में, फिर 16 मीटर दूसरे 2 सेकंड में, तो टोटल उन्होंने 16 प्लस 2 32 32 मीटर उन्होंने ट्रेवल किया। ये 32 मीटर ट्रेवल किया और अब टोटल टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड और 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? 4 प्लस 2 6 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें पता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल उसने किया 32 मीटर का और टोटल टाइम उसे लगा 6 सेकेंड, तो 32 मीटर डिवाइडेड बाई 6 सेकेंड इजकल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। देयर फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्पीड विथ डायरेक्शन। अभी तक हमने मोशन को स्पीड में मोशन समझा, स्पीड समझा। स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन आता है तो ये वेलोसिटी कहलाता है। इट मीन्स कि स्पीड और वेलोसिटी में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ इतना कि स्पीड विदाउट डायरेक्शन होता है और वेलोसिटी विद डायरेक्शन होता है। अगर हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो हमारा स्पीड स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है, जबकि वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। सो द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ इट्स स्पीड। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। दोनों स्पीड में और वेलोसिटी में सिर्फ अंतर एक डेफिनेट डायरेक्शन का है, बाकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। नेचुरली यूनिफॉर्म होगी या फिर वेरिएबल होगी। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, और अगर अनयूनिफॉर्म स्पीड है तो उसकी वेलोसिटी अनयूनिफॉर्म होगी। इट कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड डायरेक्शन और मोशन और बोथ। यहां पे तीन चीज आती है, पहला ऑब्जेक्ट की स्पीड, दूसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन और तीसरा दोनों। इस तीन चीजों पे डिपेंड करती है हमारी वेलोसिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरिएबल स्पीड इट कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इज टर्म ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिफर हो रही है बिकॉज ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी भी चेंज होगी उस ऑब्जेक्ट की। उस केस में हम फिर से वापस हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, और एवरेज वेलोसिटी को इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। उसी तरीके से जिस इन इन केस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी प्लस जो फाइनल वेलोसिटी रही हमारी डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स द मीन पॉइंट। लाइक सपोज यू इज द
इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी. सो वी एवरेज, वेलोसिटी एवरेज, इट विल बी यू दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी प्लस वी दैट इज फाइनल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाई टू मीन्स इट्स मीन. इट्स सो इट मैथमेटिकली इट विल बी कैलकुलेटेड एज द वी एवरेज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू. स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स बिकॉज दो बोथ आर द सेम थिंग दैट इज मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड. नाउ क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी. अभी हमने चर्चा की, आप इसके बारे में इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे मेल करें. मैं अगर आपसे ये नहीं हो पाया तो मैं आपको इसके जवाब वहां दूंगा. अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं. द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट. जब गाड़ी स्टार्ट हो रही थी तब ऑडोमीटर जो कार की होती है उस पे रीडिंग शो कर रही है 2000 किलोमीटर की एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप. और 2400 किलोमीटर शो हो रही है जब हम ट्रिप खत्म करते हैं. इट मींस गाड़ी की रीडिंग 2000 से शुरू होकर के 2400 पे खत्म हुई तो, और ये गाड़ी ट्रिप खत्म करने के लिए 4 घंटे का समय लिया इन्होंने. तो कैलकुलेट करें एवरेज स्पीड इस कार की, पहला किलोमीटर पर आवर में और दूसरा मीटर पर सेकेंड में. अब हमने भी कहा कि कार की रीडिंग थी 2000 से पहुंची 2400 किलोमीटर पे, तो हमने टोटल ट्रेवल कितना किया 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर दैट इज 400 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 8 घंटा. तो एवरेज स्पीड ऑफ कार वापस से दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 400 किलोमीटर एंड टोटल टाइम टेकन इज द 8 आवर. सो इट इज 50 किलोमीटर पर आवर. नाउ अब उसे चेंज करते हैं किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकेंड्स में. सो इट विल बी 50,000 डिवाइडेड बाई 3600. सो इट विल बी नाउ 13.9 मीटर पर सेकेंड. सो एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर और 13.9 मीटर पर सेकेंड. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. उषा स्विमिंग करती है इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल में, 90 मीटर का पूल है वो. सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. इट मीन्स कि वो 90 मीटर के पूल को एक बार जाने के क्रम में और उसी स्ट्रेट लाइन में आने के क्रम में वो 1 मिनट लेती है 180 मीटर में. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा. यहां पे देखना है ट्रेवल कर उसने कितना, 1 मिनट में कितना ट्रेवल किया उन्होंने, उससे वो 180 मीटर ट्रेवल करती है. 1 मिनट में 180 मीटर ट्रेवल करती है. तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, क्योंकि वो गई एक पूल के दूसरे साइड 90 मीटर और वापस आ गई फिर 90 मीटर और इसमें उन्होंने एक मिनट का समय लिया. तो उसने टोटल 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, जहां से चली थी वहीं पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 मीटर आ गया क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं किया. उसका डिस्टेंस था 180 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर जैसा मैंने पहले कहा. एवरेज स्पीड अगर निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर. अब हम यहां पर देखेंगे डिस्टेंस हमने कितना कवर किया डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन दैट इज 180 मीटर डिवाइडेड बाई 1 मिनट. सो 180 मीटर डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड्स, 1 मीटर इज कन्वर्टेड इन टू सेकेंड्स सो इट इज 60 सेकेंड्स एंड इट विल बी नाउ 3 मीटर पर सेकेंड. अगेन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, क्या ध्यान देने की चीज है. अगर हम स्पीड की बात करते हैं इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड. हम स्पीड निकालते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है
कि अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हम ये कहते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना कि डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था? जीरो था। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो था डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, इट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज उसने एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं निकला उसे। सो द एवरेज स्पीड ऑफ द उषा इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड इज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। इसको एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी काउंट करने के लिए स्पीड में टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होती है, लाइक यूनिफॉर्म मोशन मतलब पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 5 मीटर, तीसरे सेकंड में 5 मीटर, चौथे सेकंड में 5 मीटर, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। इन केस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो, बिकॉज वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होने के कारण वो चेंज नहीं हो रही। जो वेलोसिटी शुरुआत के पहले सेकंड में थी वही वेलोसिटी दूसरे सेकंड में है, वही वेलोसिटी तीसरे सेकंड में है, और वही वेलोसिटी चौथे सेकंड में है। लेकिन अब अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 6 मीटर, तीसरे सेकंड में 7 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर, इसका मतलब यह कि हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंड दैट इन द सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब भी बात करेंगे तो वेलोसिटी वैरी करती है समय के साथ ऑलवेज, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वैरी नहीं करती। अगर यूनिफॉर्म मोशन है इट मीन्स वी देयर इज ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, वेलोसिटी वैरी करती है समय के साथ, इट हैज डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट। हम किसी भी इंस्टेंट पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो डिफरेंट आएगी, बिकॉज उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ। दस द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल विल नॉट बी जीरो। कभी भी हम चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अगेन ध्यान देना होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वैरी करती है समय के साथ। तो जब भी हम दो टाइम के बीच का वेलोसिटी मेजर करेंगे ये चेंज मिलेगा, ये एक नहीं मिलेगा, कुछ हमें इसका रिजल्ट मुझे जीरो नहीं आएगा। जीरो तभी आएगा जब ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। सो नाउ कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है क्या? सो द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज मेजर्ड विच इज ए मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन। सो नाउ